वडोदरा शहर में तेजी से बढ़ रहे वैसे कोरोना वायरस के संक्रमण के बीच आज भी 115 नए पॉजिटिव केस दर्ज हुए हैं, जिसके साथ कुल मिलाकर दर्दियों का आंक वडोदरा शहर के लिए 12,496 पर पहुंच चुका है। तो वहीं आज भी एक दर्दी की कोरोना संक्रमण में मृत्यु हुई थी। वडोदरा शहर में तेजी से बढ़ रहे और अपने चरम सीमा से भी बाहर निकल चुके वैसे कोरोना वायरस के संक्रमण के बीच आज भी 115 नए पॉजिटिव केस दर्ज हुए हैं। कुल मिलाकर अब वडोदरा शहर के लिए कोरोना पॉजिटिव दर्दियों का आंक 12,496 पर पहुंच चुका है। बीते 24 घंटे के दौरान वडोदरा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा 4,523 जितने लोगों के सैंपल लिए गए थे, जिनमें से 115 पॉजिटिव दर्ज हुए है। तो वही आज भी एक दर्दी की कोरोना संक्रमण में मृत्यु होने का पता चला था। आज कुल मिलाकर 76 जितने लोगों को अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया था। अभी तक 10,563 जितने लोगों को अस्पताल से डिस्चार्ज कर लिया गया है। आज नए बने कोरोना पॉजिटिव विस्तारों में से सुभानपुरा, मकरपुरा, तरसाली, वीआईपी रोड, छानी, गोत्री, वड़सर, फतेहगंज, वासना भाईली रोड, वागोड़िया रोड, मांजलपुर, कारेलीबाग, आजवा रोड, वारसिया, तांदलजा, दंतेश्वर, माणेजा, गोरवा आदि विस्तार से कोरोना पॉजिटिव केस दर्ज हुए हैं। जबकि वडोदरा के ग्रामीय डबोई, सेवासी, सावली, करजन, उंडेरा, पौर, केलनपुर, भाईली, कोयली, जरोड, पादरा आदि ग्रामीण विस्तार से भी कोरोना पॉजिटिव केस वडोदरा शहर में दर्ज होने का पता चला है।